हेलो नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा नाम है स्वामी मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं द ड्राइंग हाउस। आज की इस वीडियो में हम ला रहे हैं होली काउ एंटरटेनमेंट का वन ऑफ द बिगेस्ट क्रॉसओवर इवेंट्स टिल दिस डेट। मैं बात कर रहा हूँ ऑपरेशन डिके वॉल्यूम 1, 2, 3, 4 एंड 5 की। ऑपरेशन डिके आखिर क्या है, ये जानने और समझने के लिए आपको होली काउ यूनिवर्स को जानना और समझना ज़रूरी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इफ़ यू आर स्टार्टिंग टू रीड होली काउ एंटरटेनमेंट एंड योर इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑपरेशन डिके, देन द प्रोबेबिलिटी इज दैट यू माइट गेट अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन फॉर द कैरेक्टर्स, बिकॉज इवन दो ऑपरेशन डिके वॉल्यूम 1 टिल 5 एक कंप्लीट सागा है, एक कंप्लीट एपिक स्टोरी है, लेकिन उस स्टोरी के कई सारे ऐसे किरदार हैं जो कि पहले ही इस्टेब्लिश किए गए हैं। सो माय एडवाइस टू यू इज़, अगर आप ऑपरेशन डिके पढ़ना चाह रहे हैं, ख़रीदना चाह रहे हैं, और अगर आपको होली काउ एंटरटेनमेंट के बारे में, होली काउ यूनिवर्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मेरी बहुत फर्म एडवाइस आपको है कि पहले आप उन स्टोरीज़ को ज़रूर पढ़िए। विदाउट नोइंग मच अबाउट देश यू विल बी कन्फ्यूज कि ऑल ऑफ अ सडन देश कहाँ से आ रहा है कहानी में। विदाउट नोइंग अबाउट अघोरी, विच इज़ काइंड ऑफ अ बिट डिफिकल्ट नाउ बिकॉज अघोरी इज़ वन ऑफ द कूलेस्ट स्टोरी कैरेक्टर्स ऑफ होली काउ एंटरटेनमेंट, लेकिन अघोरी भी इसमें कई पैनल्स में आ रहा है, इसमें देश आ रहा है, इसमें कास्टर आ रहा है। सो द पॉइंट इज, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एंटायर स्टोरी कि आखिर ये चल कहाँ रहा है, ये किरदार कौन है, ये कैरेक्टर्स कौन है, ये कब आए, यू डोंट जस्ट हैव टू फॉलो द 5 volumes, यू विल हैव टू रीड द अदर स्टोरीज एज वेल। नाउ लेट्स स्टार्ट विद होली काउ एंटरटेनमेंट। सन 2011 से ये पब्लिकेशन एग्जिस्टेंस में आई। मैं समझता हूँ कि मैं और मेरे जैसे कई सारे मेरे YouTube ब्रदर्स इस बारे में वीडियोस बना चुके होंगे, व्लॉग्स बना चुके होंगे, अपने कई बार सोशल मीडिया पे पोस्ट कर चुके होंगे, सो दिस इज़ नथिंग न्यू। लेकिन होली काउ एंटरटेनमेंट एक ऐसा पब्लिकेशन है जो कि कम्प्लीटली आउट ऑफ द पैशन, आउट ऑफ लव फॉर कॉमिक बुक्स एंड ग्राफिक नॉवल्स, उन्होंने ये शुरुआत करी। विवेक गोयल बींग द मेन गाय, द पब्लिशर एंड द आर्टिस्ट, द वेल नोन, वेरी वेल नोन फॉर रावणायन। 2011 से ये जो शुरुआत हुई थी, 12 साल बीत चुके हैं और अभी भी कॉमिक बुक्स आना, मार्केट में कंसिस्टेंटली अपनी एक वजूद बना के रखना, अपनी एग्जिस्टेंस बना के रखना, अपनी प्रेजेंस बनाए रखना, ये एक ऐसे टाइम एरा में जब कॉमिक बुक्स की नीड, कॉमिक बुक्स का जो पैशन है वो एक हद तक कितना ज़्यादा कम हो गया था वो हम सबको पता है। इट वॉज़ राइट आफ्टर द रिवाइवल टाइम, आफ्टर द कोविड लॉकडाउन, एकदम से ये रिवाइवल हुआ इंडस्ट्री का है, और कॉमिक बुक्स एंड ग्राफिक नॉवल्स और नए नए पब्लिशर्स और नए एक्साइटिंग कैरेक्टर्स एंड स्टोरी लाइन सामने आने लग गए। लेकिन शुरुआत ऐसी भी थी जब कॉमिक बुक्स लोग नहीं पढ़ रहे थे। उस समय से अब तक ये 12 सालों का सफ़र तय कर पाना भी अपने आप में बेहद काबिल तारीफ़ है। सबसे पहले इसके लिए द पब्लिशर, द राइटर, द आर्टिस्ट, वो सभी लोग जो शुरुआत से अब तक होली काउ के साथ में जुड़े हुए हैं, उन सबको बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये कॉन्ग्रेचुलेशंस अब और दुगनी तिगुनी हो जाती है जब हम बात करते हैं ऑपरेशन डिके की, क्योंकि जिस तरीके से एडवर्टाइज किया गया है, बिगेस्ट क्रॉसओवर इवेंट, वाकई में आफ्टर रीडिंग दीज 5 graphic novels मैं कहना चाहूँगा ऑपरेशन डिके ऑल 5 volumes डेफिनेटली इज द बिगेस्ट क्रॉसओवर इवेंट इन द होली काउ यूनिवर्स। आइए बात करते हैं कि आखिर ऑपरेशन डिके है क्या। सो इट ऑल स्टार्टेड अप विद वॉल्यूम 1 आयुध, और आयुध ऑपरेशन डिके का और होली काउ यूनिवर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। आई वोंट से अ सुपर हीरो बिकॉज नाउ दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट होली काउ कैरेक्टर्स, वो कभी भी अपने कैरेक्टर्स को सुपर हीरो टर्म यूजुअली नहीं देते हैं। वाई? बिकॉज दे आर नो सुपर हीरोज, दे आर नो गुड गाइज, दे आर ऑल, आई मीन दे ऑल आर पीपल मे बी विद, हमें कहना चाहिए गिफ्टेड एबिलिटीज, जो कि अपनी लाइफ बिल्कुल वैसे ही जी रहे हैं जैसे कि हम जीते हैं। उनकी लाइफ में भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, उनकी लाइफ में भी ट्रबल है, उनको भी हैंगओवर्स होते हैं, उनकी भी दिक्कतें हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, एंड समवेयर सम हाउ इन द मिडल ऑफ इट दे आर फाइटिंग फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गुड, दे आर फाइटिंग फॉर जस्टिस, मे बी इन अ बिट ट्विस्टेड वे, बट यस दे आर फाइटिंग ऑन द गुड साइड। और यही खासियत है सभी किरदारों की।
ऑपरेशन डिके की अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने कहा आयुध से इसकी शुरुआत हुई और राइट फ्रॉम द बिगनिंग अश्विन कलमाने इसके राइटर रहे। इस स्पेसिफिक पहली वॉल्यूम का जो पेंसिल वर्क और जो इंकिंग थी वो की थी हर्ष मोहन ने। वेरी प्राउड टू से कि वो हमारे चैनल पे आ चुके हैं। वी हैड अ ऑनलाइन इंटरव्यू विद हिम ऑलमोस्ट एन ईयर अगो विच वॉज रियली अमेजिंग। इट वॉज अमेजिंग टू नो दिस आर्टिस्ट। एंड इनके अलावा द लेटर्स एंड द ग्राफिक डिज़ाइन वर डन बाय किशन हरचंदानी, द कवर आर्ट वॉज डन बाय विवेक गोयल एंड प्रसाद पटनायक। नाउ अपने आप में ऑपरेशन डिके वॉल्यूम वन इज डेफिनेटली द इंट्रोडक्शन ऑफ आयुध। इट्स डेफिनेटली द इंट्रोडक्शन ऑफ डिके इन इट्सेल्फ। डिके अपने आप में कोई सुपर विलेन नहीं है। डिके अगर आप ये सोचें या इमेजिन करें सम काइंड ऑफ थैनोस काइंड ऑफ कैरेक्टर जो पूरी ह्यूमैनिटी पर अटैक कर रहा है, ऐसा नहीं है। द ईजिएस्ट एंड प्रोबेबली द सिंपलेस्ट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग वॉट डिके इज परहैप्स दैट इट्स अ कॉस्मिक एंटिटी। डिके इज वन सच बींग जिसको एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कहना गलत होगा। इट्स समथिंग विच इज अ कॉस्मिक हॉरर एंटिटी जो कि हमारे वर्ल्ड में, हमारे दुनिया में आ चुका है। वो लोगों के माइंड्स को कंट्रोल कर रहा है, यहाँ रहने वाले बींग्स को कंट्रोल कर रहा है और मकसद एक ही है, सर्वनाश, कंप्लीट एनाइलेशन। और इस प्रोसेस में ना केवल ह्यूमन बींग्स उसके कंट्रोल में आ रहे हैं बल्कि सर्टेन गॉड्स एंड गॉडेसेस को भी वो कंट्रोल में कर रहा है। एंड इन ऑर्डर टू रिजिस्ट ह्यूमंस की तरफ से कुछ लोग सामने आए हैं, कुछ गिफ्टेड एबिलिटीज़ के लोग सामने आए हैं जो कि उसको रोकना चाह रहे हैं, जो कि उसको ढूंढना चाह रहे हैं। ऑपरेशन डिके 5 वॉल्यूम्स इसी की कहानी है। इस कहानी में, इस प्रोसेस में उसको रोकने के लिए अलग अलग कैरेक्टर्स अलग अलग स्टोरी लाइन से एक स्टोरी लाइन में, यानी कि ऑपरेशन डिके के टाइम लाइन में आ रहे हैं। एंड दैट्स वाई जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था, इन सर्टेन पैनल्स यू ऑल ऑफ अ सडन यू विल सी अघोरी। There will be a certain story that will be dedicated to Desh, and then there's Ayodh, and then there is Shaitan Singh, and so the entire team of gifted people जो कि रोकने की कोशिश कर रहे हैं अपने powers से, अपनी abilities से, and with the element of emotions and the feeling of sacrifice, वो इस काम को अंजाम दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं, well यही कहानी है ऑपरेशन डिके की। डेफिनेटली द राइटिंग इज समथिंग जो कि हम आज तक यूजुअली जो कंटेम्प्रेरी कॉमिक बुक्स इंडिया में आई हैं, आती हैं, वैसी नहीं है। अगर बहुत सिंपल भाषा में मैं बोलूं तो होली काओ की ऑलमोस्ट सभी कहानियां कुछ इस प्रकार बन रही हैं कि राइट फ्रॉम द कॉमिक बुक, राइट फ्रॉम द प्रिंट मीडिया टू द OTT प्लेटफॉर्म और टू द बिग स्क्रीन उनको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। The language is harsh, brutal, it's much more realistic. और होली काओ एंटरटेनमेंट की ये खूबी रही है कि मॉडर्न एरा को दिखाते हुए आप मैजिक, मॉन्स्टर्स, घोस्ट्स, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, इन सभी की जगह है, इन सभी का स्पेस है। उसको दिखाने का तरीका इस तरीके से दिखाया जाता है कि आप उसे एक्सेप्ट कर पाते हैं। और इसमें मैं मानता हूँ 100% जो क्रेडिट जाता है वो राइटिंग को जाता है। सो अ ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन टू अश्विन कलमनी जिन्होंने ये सीरीज़ बनाई है। मैं और पढ़ना चाहता हूँ, मैं होली काओ एंटरटेनमेंट में अश्विन कलमनी को और पढ़ना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रीड मोर ऑफ हिज क्रिएशंस। वॉल्यूम 2 ओकारी, जैसे वॉल्यूम 1 आयुध के ऊपर था, वॉल्यूम 2 इज ऑन दिस हीलिंग गॉड ओकारी। नाउ वंस अगेन मैं फिर वही बात दोहराना चाहूँगा, कहानी जिस तरीके से वॉल्यूम दर वॉल्यूम आगे बढ़ रही है, पाठक रीडर ये पढ़ पा रहा है, ये देख पा रहा है कि डिके अपनी जड़ें फैलाता जा रहा है और किस तरीके से वो ह्यूमैनिटी को इन्फेक्ट कर रहा है, वो लोगों को कंट्रोल में ला रहा है और वो सैकड़ों लोगों को मार रहा है। और इस प्रोसेस में कुछ गॉड्स हैं, कुछ गॉडेसेस हैं जो कि ऑलरेडी अपनी पावर्स भुला चुके हैं, छोड़ चुके हैं सैकड़ों सालों पहले, लेकिन जस्ट टू हैंडल दिस वन एपिक विलन, इफ यू वांट टू कॉल इट डिके, उसको रोकने के लिए ये सभी टीम को ज्वाइन करते जा रहे हैं। और इस प्रोसेस में वॉल्यूम 2 में ओकारी को दिखाया गया है, उसकी कहानी को सामने दर्शाया गया है और
इंटरेस्टिंगली द ड्रॉइंग हाउस ने इस वॉल्यूम 2 का रिव्यू किया था ऑलमोस्ट 1-1.5 years अगो, तो ज़्यादा मैं इस बारे में नहीं बोलूँगा। अगर आप उसे चेकआउट कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो मेरी रिकमेंडेशन है डेफिनेटली इसे देखिए। ऑपरेशन डिके वॉल्यूम 3, नाउ दिस इशू इज द वन जिसको मैं कहूँगा जितना एंटायर पूरी की पूरी टाइमलाइन में जितना इंपॉर्टेंट वॉल्यूम 1 है, हालांकि सभी वॉल्यूम्स इंपॉर्टेंट हैं, सभी ज़रूरी हैं, बट वॉल्यूम 1 स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन जो कहानी के ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आप मिस कर ही नहीं सकते हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से वॉल्यूम 1 इज इंपॉर्टेंट एंड सो इज इंपॉर्टेंट वॉल्यूम 3, बिकॉज वॉल्यूम 3 में आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देश को भी एंटर होते हुए देखते हो और बहुत बुरी तरीके से हारते हुए भी देखते हो। सो यस, वॉल्यूम 3 इज रियली इंटरेस्टिंग। एंड नाउ कम्स वॉल्यूम 4 एंड वॉल्यूम 5 जो कि मुझे एक साथ पढ़ने को मिली, विच इज काइंड ऑफ लाइक द थर्ड एक्ट ऑफ द स्टोरी, जहाँ पे वो सभी कैरेक्टर्स, वो सभी किरदार, वो सभी सो कॉल्ड सुपर हीरोज जो एक टीम बनकर शैतान सिंह के साथ में डिके को ख़त्म करने के लिए, उसको ढूंढ कर उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं, वो फाइनली ग्राउंड जीरो पे पहुंच चुके हैं, वो फाइनली उस जगह पहुंच चुके हैं जहां से ये सभी ईविल एंटिटीज़, कॉस्मिक एंटिटीज़ हमारे यूनिवर्स में एंटर हो रही हैं। एंड नाउ दे आर देयर टू शट डाउन द डोर, दे आर देयर टू शट डाउन डिके वंस एंड फॉर ऑल। ये दोनों ही ग्राफिक नॉवेल्स अपने आप में इन टर्म्स ऑफ एक्शन बेहद डायनेमिक हैं, और एक्शन की जहां बात आ रही है, एक्सप्रेशंस की जहां बात आ रही है, इन खूबसूरत कैरेक्टर्स और अमेजिंग डरावने और ब्यूटीफुल एनवायरमेंट्स की बात आ रही है, तो अब मैं आना चाहूँगा इसके आर्टवर्क पे। और आर्टवर्क में जब हम ऑपरेशन डिके की बात करते हैं या फिर जब हम ओवरऑल होली काउ एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, तो एक नाम तो फॉर श्योर सबसे टॉप पे आ रहा है, गौरव श्रीवास्तव। वंस अगेन द ड्रॉइंग हाउस इज़ वेरी हैप्पी टू से कि गौरव श्रीवास्तव भी हमारे चैनल पे अपने एक ऑनलाइन सेशन के लिए आ चुके हैं। इट वॉज रियली अमेजिंग, वेरी इंफॉर्मेशनल, अ लॉट ऑफ फन। नहीं देखा है उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। कमिंग बैक टू द टॉपिक, गौरव श्रीवास्तव स्पेशली ये जो दो लास्ट के इशूज़ हैं, जहाँ जहाँ पे भी गौरव श्रीवास्तव के इलस्ट्रेशन वर्क्स हैं, वो अपने आप में फिनोमिनल हैं। मैं स्पॉयलर्स नहीं देना चाह रहा हूँ, ना ही मैं दूंगा, लेकिन देर इज दिस वन एपिक फाइट ऑफ ओकारी विद दिस वाटर गॉड। और ज़्यादा ना बताते हुए मैं बस इस पॉइंट पे इस बात को कंक्लूड करूँगा कि बाय द लास्ट शॉट आई वॉज हैविंग गूज़बम्प्स, आई वॉज हैविंग ऑलमोस्ट वाटर इन माई आईज। वो इतना अमेजिंग और इतना इंटरेस्टिंग है, मैं नहीं बोल सकता हूँ, आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। And once you are reading it, you'll be able to get more of it. You'll be able to get the emotions of it. Unless and you're not reading it, you won't be able to understand. You won't be able to grasp it. Once again, fourth and fifth, entire timeline mein, Operation Decay ki timeline mein, fourth and fifth mein sabse zyada maximum action hai. Aur is action ko sanjoya hai, usko khoobsurati se dikhaya hai Gaurav Srivastav ne. Along with Gaurav Srivastav, एक और न्यू टैलेंट जो होलिकाओ में अब रिसेंटली ही एंटर हुआ है, उसके बारे में भी मैं बात रखना चाहूँगा, क्योंकि उसकी इलस्ट्रेशंस का काम भी बेहद एक्साइटिंग है, और वो है अविनाश घोष। अविनाश से हमारी मुलाकात मुंबई कॉमिक कॉन के दौरान हुई। आप हो होलिकाओ एंटरटेनमेंट के बूथ पे एज अ प्रोफेशनल। होलिकाओ एंटरटेनमेंट पिछले एक दशक से, लगभग 10 साल से भी ऊपर हो गया है कि अमेजिंग स्टोरी लाइन्स निकाल रहा है। हमें इस बारे में ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत है ही नहीं, रीडर्स जो पढ़ते हैं उनको पता है ऑलरेडी। होलिकाओ का कॉन्ट्रीब्यूशन एक प्रोफेशनल के नज़रिए से आप क्या मानते हो, हमारे इंडियन जो कॉमिक बुक इंडस्ट्री है उसमें होलिकाओ एंटरटेनमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा है? मेरे हिसाब से मैं जो बोलूँगा, अभी जो होलिकाओ कर रही है वो बहुत ही नए यूनिक प्रोजेक्ट्स ला रही है अभी, जिसका मैं भी एक अभी हिस्सा बनने वाला हूँ, जो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अभी। जो आप ऑनलाइन अभी अनाउंस हुआ है विडियन के लिए, वो मेरा पहला सोलो प्रोजेक्ट होगा। अभी मैंने फ़िलहाल जस्ट दो OD4 एंड OD5 AK ऑपरेशन DK जस्ट स्मॉल सेक्शन मैंने किया है, जो कि मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। सर ने बहुत कुछ सिखाया है मुझे, अभी सीख रहा हूँ। आशा करता हूँ फ्यूचर में आप सभी को अच्छा कंटेंट दे पाऊँ। एज एक्साइटेड एज आई वॉज मीटिंग विद हिम, आई वॉज सो थ्रिल्ड इन सीइंग दिस न्यू यंग ब्लड एंट्रिंग इन द इंडियन कॉमिक बुक इंडस्ट्री,
by themselves. And once again, thanks to publishers like Vivek Goyal, जो कि ये मौका ना केवल दे रहे हैं बल्कि एक ऐसा स्टेबल प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि आर्टिस्ट टिका हुआ है. आई वुड से वन थिंग, यू डेफिनेटली हैव दैट टच ऑफ द डीसी कॉमिक्स आर्ट वर्क. मैं मेंशन करना चाहूँगा, जो मुझे लगा, मैं मेंशन करना चाहूँगा जिम ली के आर्ट वर्क को. जैसे ही आपके पेजेस स्टार्ट हुए, आई फेल्ट कि वो ऑल ऑफ अ सडन लाइक गौरव श्रीवास्तव से जिम ली कहाँ से आ गए. सो आई एम सेइंग दिस एज अ कॉम्प्लीमेंट. आपका जो आर्ट वर्क है वो जिम ली के आर्ट वर्क का एसेंस देता है, विच डेफिनेटली इज़ अ कॉम्प्लीमेंट. एंड इट्स जस्ट अ स्टार्ट. If you're watching this video, I wish you all the very best. You have done an amazing job. Your illustration works, these are really good. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके इस अमेजिंग आर्ट को देख पाएंगे. मैं समझता हूँ जो कलरिंग आर्ट है प्रसाद पटनायक जी ने किया है, और कलरिंग इज समथिंग दैट डेफिनेटली प्रोवाइड्स लाइफ इन टू ऑल दीज अमेजिंग illustrations, ऑल दीज अमेजिंग पेंसिल एंड इंकिंग वर्क. तो कलरिंग को हम वाकई में मैं कहूँगा कि आर्टवर्क की तरह ही, पेंसिल वर्क की तरह ही इसकी कलरिंग भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की है. मैं अंत में एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा विवेक गोयल जी को, और वो ये है कि जितना इंटरेस्टिंग ये कहानियाँ हैं, मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि होली काउ एंटरटेनमेंट जिस तरीके से अपनी इंग्लिश पब्लिकेशंस करता है साइमल्टेनियसली, नॉट जस्ट फॉर द कलेक्टर्स एडिशन, साइमल्टेनियसली ही हिंदी में भी इनको निकालें. सो ऑपरेशन डिके अवेलेबल ऑन द ऑनलाइन स्टोर्स. आप इसको holycow.in से भी मंगा सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन स्टोर से भी पे भी अवेलेबल है. हर इशू की जो प्राइसिंग है वो 699 है, यानी कि 700 rupees पर कॉमिक बुक है, ये पर ग्राफिक नॉवल या कॉमिक बुक, वट एवर यू वॉन्ट से ये है. मेरी रिकमेंडेशन वंस अगेन, अगर आपने ये नहीं पढ़ी है, इन ऑर्डर टू सी कि हमारा इंडियन टैलेंट कर क्या रहा है इंडस्ट्री में, अपार्ट फ्रॉम सम ऑब्वियस नेम्स लाइक राज कॉमिक्स, और कौन कहाँ क्या कर रहा है और क्या बना रहा है, अगर आपने ये नहीं पढ़ी है आप ज़रूर पढ़ें. सो दिस वॉज अ वीडियो गाइज, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो विद अदर्स. थैंक यू सो वेरी मच. गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू.